गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेज। आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे हमें आज यूज किसका करना है। जैसे पहला हमारा वाक्य लिखा हुआ है, नाम कमाने में समय लगता है, घर बनाने में समय लगता है, किसी को भुलाने में समय लगता है, व्यापार को जमाने में समय लगता है, किसी का विश्वास जीतने में समय लगता है। ऐसे सेंटेंसेज को आज हम इंग्लिश में बनाएंगे, ठीक है। तो यूज हमें किसका करना है, इट टेक्स टाइम। क्या लिखना है हमें, इट टेक्स टाइम, जिसका हिंदी मीन्स क्या होता है, समय लगता है। ओके, तो इट टेक्स टाइम्स का यूज कर हमें टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ओके, तो पहला हमारा वाक्य है, नाम कमाने में समय लगता है, तो हम कैसे लिखेंगे, इट टेक्स टाइम, यहां से हम स्टार्ट करेंगे इसको। ओके, नाम कमाने में समय लगता है, तो लिखेंगे इट टेक्स, क्या लिख रहा हूं मैं, इट टेक्स टाइम, क्या लिखा मैंने, इट टेक्स टाइम। ओके, तो नाम कमाने में समय लगता है, टू लिखेंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। कमाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अर्न, earn, earn. It takes time to earn a name. Earn a name. Okay? नाम कमाने में समय लगता है, तो सेंटेंस क्या बन गया अपना, इट टेक्स टाइम टू अर्न ए नेम। ओके, नाम कमाने में समय लगता है, घर बनाने में समय लगता है, तो क्या लिखेंगे हम, इट टेक्स टाइम इट टेक्स टाइम टू, बनाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बी यू आई एल डी, बिल्ड। ओके, इट टेक्स टाइम टू बिल्ड ए होम। ओके, घर बनाने में समय लगता है, तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इट टेक्स टाइम टू बिल्ड ए होम। अगला है, किसी को भुलाने में समय लगता है, तो क्या लिखेंगे, इट टेक्स टाइम टू, भुलाने को इंग्लिश में कहते हैं फॉरगेट। क्या लिखा मैंने, इट टेक्स टाइम टू फॉरगेट समवन, SOMEONE, समवन का मतलब होता है किसी को। ओके, किसी को भुलाने में समय लगता है, तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इट टेक्स टाइम टू फॉरगेट समवन। अगला है, व्यापार को जमाने में समय लगता है, तो क्या लिखेंगे, इट टेक्स टाइम टू। ओके, व्यापार को जमाने में समय लगता है। ओके, तो हम यहाँ पे सेटअप भी लिख सकते हैं और स्टैब्लिश भी लिख सकते हैं, तो इट टेक्स टाइम टू स्टैब्लिश लिख देता हूँ मैं ना, स्टैब्लिश, ठीक है, इट टेक्स टाइम टू स्टैब्लिश ए बिजनेस। व्यापार को जमाने में समय लगता है, तो इट टेक्स टाइम टू स्टैब्लिश ए बिजनेस। ओके, अगला वाक्य है, किसी का विश्वास जीतने में समय लगता है। ओके, तो इसकी इंग्लिश आप बनाएंगे और मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। ओके, टिल दैट, बाय बाय डियर।